हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विथ माय गार्डन में। तो फ्रेंड, हम आज ऐसे एक प्लांट के टॉपिक पर बात करेंगे जो बड़ा ही इजी टू ग्रो प्लांट है और नए गार्डनर के लिए तो ये बहुत ही इजी प्लांट है। इस प्लांट का नाम है पर्पल हार्ड और इसकी ग्रो की बात करें तो ये इजी टू ग्रो कटिंग से हो जाता है। और फ्रेंड, आप इसे छोटे बड़े कोई भी गमले में इजी टू ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये ग्राउंड है, हैंगिंग बास्केट है, कोई भी हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है या कोई भी मग कप वगैरह में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही बिना केयर के सर्वाइव होने वाला पौधा है। इसकी फ्रेंड हम मिट्टी की बात की जाए तो इसमें वेल्डन सोइल्ड का आप हल्की फुल्की गार्डन मिट्टी, इस तरह की मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड, ये कम पानी में भी चलने वाला पौधा है तो इसे ज़्यादा इतना वाटरिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छी तरह से एक बार आप इसे पानी दे दीजिए तो पूरा गमला फिर बार बार देने की इसे ज़रूरत नहीं है। दिन में एक बार आप इसे अच्छी तरह से वाटरिंग कर सकते हैं। और इसमें हमें ये ज़्यादातर इंडोर और आउटडोर दोनों में ही ये सर्वाइव कर जाएगा प्लांट। इसकी धूप की बात की जाए फ्रेंड तो ज़्यादातर तो ये धूप में ही सर्वाइव करने वाला पौधा है। फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो आप इसे थोड़ा बहुत शेडी एरिया में भी शिफ्ट कर सकते हैं तो ये बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। इसमें देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स भी आए हैं। वैसे बड़ा ही प्यारा और सुंदर पौधा है ये। इसकी जो डहलिया है वो फ्रेंड इस तरह से बड़ी होने पर ये झुक जाती है तो मैंने ये इसे एक डंडी के सहारे इसे लगा लिया है ताकि बहुत ही ज़्यादा ये टूटे ना, क्योंकि क्या है, टूट बहुत जाती है ये डंडी बड़ी होने पर। तो कोई भी इसको सपोर्ट वगैरह दे सकते हैं। मैंने ये एक पीवीसी पाइप मेरे पास पड़ा था पुराने वाला तो उसका यूज़ कर लिया है। आप कोई भी इसे डंडी से सपोर्ट दे सकते हैं। फ्रेंड, इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें हम तो इसे आप हल्का फुल्का सा कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वैसे इसको कोई फर्टिलाइज़र की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहे तो कोई हल्का फुल्का सा काउडंक, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। और जंतुनाशक की हम बात करें कुछ भी के फंगस वगैरह लगने का क्या इसे कोई ऑप्शन है तो फ्रेंड इसे कोई ज़्यादातर ऐसी फंगस से लगती नहीं है तो कोई इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है इतनी फंगस वगैरह की। देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसके जो परागरज होती है उस पर मधुमक्खियाँ लग जाती है तो और ये फ्लावरिंग देता है। और इसकी प्रूनिंग आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं क्योंकि क्या है, इसकी डहलिया है वो एक रॉकेट गति की तरह से अच्छा हो जाए तो चलने वाला पौधा है तो आप टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। वैसे इसे ज़्यादा मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस पौधे को कई जगह पर बॉर्डर पर भी देख सकते होगे फ्रेंड्स, तो वहाँ अच्छी तरह से ये लगाए जाने वाला पौधा है। तो ज़्यादा इसकी ग्रो हो तो मैंने जैसे बताया अभी आपको, वैसे आप डंडी के सहारे या कोई भी ऐसी दोरी वगैरह हो तो बांध दीजिए तो ये इसकी डहलिया है वो नीचे नहीं गिरेगी, नहीं तो ये टूट जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप किसी के भी सहारे इसका सपोर्ट दे सकते हैं और ख़ास करके जो नए गार्डनर है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है। तो ईजी टू ग्रो है ये क्योंकि ये बहुत ही जल्द गमले में लगने वाला पौधा है। पौधों के लिए ये जो नए गार्डन है वो उसका हौसला भी बढ़ता है अच्छी तरह से लग जाए तो और नए प्लांट शिफ्ट करने या तो नए प्लांट उगाने की उसको एक उम्मीद सी बनी रहती है कि भाई चलो ये दूसरा एक प्लांट तो लग गया है, दूसरा भी लगा ले। और इस तरह का ही आपको ये गार्डन का शौक इजी टू ग्रो ये प्लांट पूरा कर देगा। जैसे मैंने अभी कहा फ्रेंड कि इसको खाद की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप डालना चाहे तो ये खास करके जो फ्लावरिंग पर हो तब आप थोड़ा बहुत खाद डाल दीजिए तो रिजल्ट बेहतर से बेहतर मिलेगा इसमें। चलिए मैं आपको इसकी एक डहलिया
काट कर ही दिखा देता हूँ, तो आपको पता चले कि किस तरह से प्लांट में शिफ्ट किया जाता है। तो फ्रेंड इसके कटिंग मैंने थोड़े बहुत पहले से ही यहाँ कलेक्ट करके रखे हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे कटिंग है वो कोई भी गमले में इजी टू शिफ्ट कर सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े बहुत यहाँ से नीचे से थोड़े काट दे ताकि पत्ते पर कोई ग्रो होने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि थोड़ी मुझे अभी वीडियो भी बना रहा हूँ और कटिंग भी कर रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप समझ सकते होगे। वैसे ये गमला है हमारे पास, तो फ्रेंड आप गमले में इजी टू ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। अच्छी तरह से इसे थोड़ा बहुत गहराई में डाल दे, बस थोड़ा सा हल्का सा दबा दे, तो ये आराम से सर्वाइव कर जाएगा फ्रेंड। ये तो मैंने जस्ट आपको एक किस तरह से इसका जो कटिंग है वो गमले में शिफ्ट करते हैं ये बताया था आपकी जानकारी के लिए। तो अच्छी तरह से आप इसमें और भी कटिंग डाल सकते हैं और इजी टू ग्रो हो जाएगा। तो दो चार दिन तक आप इसे हल्की सेड़ी धूप में ही रखें, वाटरिंग थोड़ा बहुत करते रहे, बहुत ज़्यादा आप वाटरिंग ना करें शुरुआत में। अच्छी तरह से आपको लगने लगे कि अब सर्वाइव हो रहा है, उसके बाद ही अच्छी तरह से वाटरिंग करें। तकरीबन इसकी 8-10 दिन तक केयर करें और ये अपने आप सर्वाइव हो जाएगा। और साथ आप इसमें हैंगिंग बास्केट में भी फ्रेंड आप इसे ग्रो कर सकते हैं। मैंने एक दो पौधे हैं वो हैंगिंग बास्केट में भी डाले हैं, उसके साथ और पौधे भी आप जर्मिनेट कर सकते हैं। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए फ्रेंड। ये मैंने हैंगिंग बास्केट में भी छोटे छोटे कटिंग डाले थे तो वो भी ग्रो हो रहे हैं। तो वैसे ये इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड, ज़्यादा कुछ केयर करने की भी इसको ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड ये डेकोरेशन में भी अच्छी तरह से चलने वाला पौधा है, तो आप होम डेकोर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं और कटिंग लगाने के बाद आपको बहुत कोई ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड आशा रखता हूँ कि आपको ये पर्पल हार्ट की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स ज़रूर से लाइक शेयर और कॉमेंट कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड आज इतना ही, फिर कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।